दोस्तों हमारे पास में आ गए हैं गूगल के लेटेस्ट पिक्सल स्मार्टफोन्स, जहां पे ये है द लेटेस्ट गूगल पिक्सल 9 और हमारे पास में ऑफकोर्स द 9 प्रो एक्सएल इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो यहां पे आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए, और हम करते हैं इन्हीं को अनबॉक्स एंड लेट्स एक्सप्लोर कि गूगल ने आखिर इन नए पिक्सल फोन्स में किन नए फीचर्स को ऐड किया है, और क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि दीज फोन्स आर द स्मार्टेस्ट स्मार्टफोन्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। इसको भी निकाला हमने। ओके, तो गाइज फोन्स हमारे हाथ में आ चुके हैं। एंड मैं फोन्स के बारे में बात करूं उससे पहले लेट मी जस्ट गिव फुल मार्क्स टू गूगल इस मिनिमल बट एट द सेम टाइम एनवायरमेंटली फ्रेंडली पैकेजिंग के लिए, क्योंकि यहां पे किसी प्लास्टिक को यूज नहीं किया है बॉक्स में, विच इज वेरी गुड। लेकिन जो मेन आइटम है वो हम हाथ में ले चुके हैं, दिस इज द गूगल पिक्सल 9 एंड द 9 प्रो एक्सएल। एंड पहली बात ये है इन फोन्स के साथ में कि आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, इन हैंड फील जो है द मोमेंट यू होल्ड द फोन्स, ये काफी प्रीमियम एकदम फ्लैगशिप ग्रेड वाला आपको एक्सपीरियंस मिलता है, बिकॉज ऑफ कोर्स दीज आर काइंड ऑफ यू नो पूरा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम गूगल। एंड यहां पे द फोन्स दे आर वेरी सिमिलर, मतलब अगर आप पिक्सल 9 को ले हाथ में, या इफ यू होल्ड द पिक्सल 9 प्रो फॉर एग्जांपल, या ये बड़े वाला पिक्सल 9 प्रो एक्सएल, ओवरऑल द इन हैंड फील रिमेन्स द सेम, बिकॉज द मटेरियल्स मोर और लेस दे आर क्वाइट सेम, बिकॉज वी हैव मेटल फ्रेम, उसके अलावा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है आगे और पीछे दोनों ही तरफ। एंड इनफैक्ट द लेआउट अगर आप देखते हैं ना फोन्स का, वो भी आपको काफी सिमिलर मिलता है, जहां पे एक डिफरेंस है वो ये कि जो आपको बेसिक पिक्सल 9 मिलता है उसमें आपको फ्रेम मिलता है विद अ मैट फिनिश, और जो बैक ग्लास है दिस इज विद अ ग्लॉसी फिनिश। लेकिन इसका एकदम रिवर्स हो जाता है इन द प्रो फोन, क्योंकि प्रो फोन में जो बैक है वो आपको मिलता है मैट ग्लास फिनिश का, बट द फ्रेम इज ग्लॉसी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गाइस द कैमरा बार हैज बीन रीडिजाइन नाउ, पहले आपको एकदम ऐसा फ्रेम टू फ्रेम एक्सपीरियंस मिलता था पिक्सल 6, पिक्सल 7, पिक्सल 8 सीरीज में, लेकिन यहाँ पे अभी एक ऐसा पिल शेप्ड आइलैंड आपको मिलता है अगर आप देखोगे इन फोन्स में कैसा है। बट देन अगेन क्वाइट यूनिक एंड क्वाइट पिक्सल लाइक। मजे की बात, अगर आप टेबल पे रखते हो तो ये ऐसे वॉबल नहीं करेगा, बिकॉज ओवर द विड्थ ऑफ द फोन आपको ये पूरा मिल जाता है लेआउट। अगर हम बात करते हैं बेसिक बटन पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट टू सी कि जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वगैरह हैं या जो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस वो कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास में वॉल्यूम अप एंड डाउन रॉकर है, उसके ठीक ऊपर है पावर लॉक अनलॉक बटन, ऊपर की तरफ हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन है, और फिर जो ये प्रो फोन है इसमें आपको मिलता है मिलीमीटर 5G वाला एंटीना, बट इंडिया में मिलीमीटर 5G है नहीं, तो देयर इज नो पॉइंट टू टॉक अबाउट दिस। लेफ्ट जो है वो पूरा क्लीन है। अगर आप देखेंगे नीचे तो हमारे पास में स्पीकर ग्रिल है, प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर्स आपको इन फोन्स में मिलते हैं ऑफ कोर्स, फिर है यूएसबी सी पोर्ट, देन वी हैव द प्राइमरी माइक्रोफोन एंड द सिम ट्रे जो है उसमें गूगल का एड्रेस लिखा हुआ है, अगर कोई चिट्ठी विट्ठी भेजनी है आप गूगल को तो आप भेज सकते हो यहां पे, लेकिन आप केवल एक सिम कार्ड लगा सकते हो। अगर आपको ड्यूएल सिम यूज करना है तो उसके लिए आपको ई सिम को यूज करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पीछे की तरफ ना, तो ऑफ कोर्स वी हैव द बिग जी वाली ब्रांडिंग ऑफ गूगल, और फिर जो ये कैमरा सेटअप है इसमें डिफरेंस है, बिकॉज जो बेस फोन है दिस इज द पिक्सल 9, इसमें एक ड्यूएल कैम सेटअप है जहां पे वाइड कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा है। यहां पे जो प्रो फोन्स हैं, फिर चाहे आप प्रो की बात करें या इस प्रो एक्सएल की बात करें, दोनों का ही कैमरा सेटअप एग्जैक्टली सेम है। एंड यहां पे वी हैव अ ट्रिपल कैम सेटअप जहां पे प्राइमरी कैमरा है, फिर अल्ट्रा वाइड है, और फिर एक पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी है, और इसी के साथ हमारे पास में फिर ये एक टेम्परेचर सेंसर भी है अलॉन्ग विद एलईडी फ्लैश। यहां पे देखोगे तो केवल आपको फ्लैश मिलेगा। सामने दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना फोन के स्क्रीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई वुड से अच्छी बात है, बिकॉज आपको एकदम यूनिफॉर्म बेजल्स मिलती हैं और ये एकदम फ्लैट स्क्रीन है, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं उनको ऐसे काफ़ी राउंड कर दिया गया है, तो एक्सपीरियंस इज थोड़ा सा हटके। जहाँ पे द डिफरेंस इज कि जो बेसिक पिक्सल फोन है दिस इज द पिक्सल 9, यहाँ पे आपको मिलता है एक्चुअल डिस्प्ले, यहाँ पे है
सुपर एक्चुआ डिस्प्ले प्रो फोन्स में, एंड द डिफरेंस इज बेसिकली कि आपको जो पीक ब्राइटनेस है वो मिलने वाली है अप टू 3000 निट्स ऑन दिस सुपर एक्चुअल डिस्प्ले, और ये एक LTPO OLED पैनल है। यहाँ पे द पीक ब्राइटनेस इज 2700 निट्स एंड दिस इज नॉट LTPO पैनल, ऑल्दो 120 हर्ट्ज तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इन द प्रो फोन इट कैन गो फ्रॉम 1 टू 120 हर्ट्ज। तो बेसिकली जो पिक्सल 9 है उसके अंदर स्क्रीन इज ऑफ 6.3 इंचेस। अगर आप प्रो फोन पे जाएंगे तो यू हैव टू ऑप्शंस, जहाँ पे जो बेसिक आपको मिलता है पिक्सल 9 प्रो कॉम्पैक्ट, छोटा उसका स्क्रीन साइज है विच इज ऑफ 6.3 इंचेस, लेकिन अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो विद दिस वन द पिक्सल 9 प्रो XL, जहाँ पे स्क्रीन साइज बढ़ के हो जाता है 6.8 इंचेस का। ऑल्दो आपको अक्रॉस द लाइनअप अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है एंड डिस्प्ले टाइप वाला विच इज वेरी गुड, और एक डिफरेंस है ऑफकोर्स इन द सेल्फी कैमरा एज वेल, क्योंकि जो पिक्सल 9 है इसमें लगा है 10.5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, लेकिन यहाँ पे जो 9 प्रो XL है या फिर 9 प्रो है वो लेके आता है अपने साथ में 42 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब यहां पे दोस्तों ये तो बात हो गई है कुछ चीजों की, लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि गूगल ने कोई डिफरेंस नहीं रखा है इन टर्म्स ऑफ चिपसेट, क्योंकि आपको सभी फोन्स में गूगल का लेटेस्ट टेंसर G4 जो चिप है वो देखने को मिलती है। हाँ, रैम में डिफरेंस है, बिकॉज पिक्सल 9 की जो रैम है वो है 12 GB, और यहां पे जो पिक्सल 9 प्रो और प्रो XL है उसकी रैम आपको मिलने वाली है 16 GB की। एक और डिफरेंस है विच इज इन द बैटरी। वैसे बैटरी बैकअप यूजुअली आपको वही समझ लो आप एक दिन डेढ़ दिन डिपेंडिंग ऑन कैसा आप यूज करते हो वैसा मिलेगा, बट जो पिक्सल 9 की बैटरी है वो है 4700 mAh की, जो पिक्सल 9 प्रो की बैटरी है वो भी सेम है 4700 mAh की, लेकिन ये जो पिक्सल 9 प्रो XL है इसकी बैटरी है 5060 mAh की, और ये सबसे तेज रिचार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। वैसे आपको दोनों ही फोन्स में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, और इनफैक्ट पावर शेयरिंग का ऑप्शन भी है वायरलेसली, जहां पे आप ईयरबड से दूसरे फोन को अपने फोन से चार्ज कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों देखो ये तो बात हो गई है हार्डवेयर की एंड ओवरऑल कैसा आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलता है, बट द रियल फन ऑफ पिक्सल फोन्स इज द एक्सपीरियंस ओवरऑल, एंड यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक सेम है दोनों ही फोन्स में, ऐसा कुछ आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ स्पेसिफिक कैमरा फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस न्यू पेरिस्कोप कैमरा आपको कुछ चीज़ें एडवांस्ड ऑफ कोर्स मिलेंगी इन द प्रो फोन्स, बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ना तो यहाँ पे गूगल ने AI का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ओवरऑल इन फोन्स को एक अलग लेवल पे लेके जाने के लिए। जहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जेमिनाई जो है वो इन दोनों ही फोन्स के अंदर एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पे एक तो पहली बात आपको 2 TB वाला जो गूगल का प्लान है ना वो सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है फॉर 1 ईयर विद ऑल दीज फोन्स, तो आपको जेमिनाई एडवांस्ड को ऑप्शन मिल जाता है, एंड फिर जब आप जेमिनाई से बातचीत कर रहे हो आप कुछ भी सवाल पूछ रहे हो आपको जवाब मिल रहे हैं वो सब तो है ही, आप गूगल ऐप्स के अंदर जैसे उसको इंटीग्रेशन में देख पाते हो, दैट इज ऑल डन। But the best part and the real amazing part, guys, is Gemini Live. जहां पे Gemini Live एक तरीके से आप समझ लो कि आपको जैसे हम बात करते हैं किसी इंसान से वैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है, और ये एक अलग एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर जहां पे आपको टाइप नहीं करना है, ऑल्दो ट्रांसक्रिप्ट शो होती है बट Gemini Live का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत यूनिक बन जाता है। आई विल शो यू अ क्विक डेमो। मैं जाता हूँ Gemini पे। Hey Gemini, how are you doing? What's happening? Hey there, I'm doing well. Thanks for asking. It's nice chatting with you. So tell me, what's on your mind today? I was just thinking of doing a vacation and a trip to Singapore from Delhi. Do you think Singapore's weather would be good right now? Is it too hot right now or is it okay to visit? Singapore's weather right now is pretty typical Singapore weather. Expect daytime temperatures around 85 degrees Fahrenheit with high humidity. How long would be the flight from Delhi if I take a direct flight? What's the duration? A direct flight from Delhi to Singapore usually takes between 5 and 6 hours. And how about if I fly from Dubai? A direct flight from Dubai to Singapore typically takes between 5 to 6 hours. But in that case, if you could please tell me what to pack for this trip. Since Singapore is pretty warm and humid, pack lots of lightweight. You know what? Forget Singapore, because I think of doing a road trip now. A road trip from Delhi to Jaipur. Could you please tell me how long would that take? A road trip from Delhi to Jaipur is a really popular route, and it's a great way to see some amazing parts of India. The drive itself takes about 5 or 6 hours. Guys, आपने एक बात नोटिस किया? पहली बात तो ये कि जो लाइव हम बात कर रहे हैं, the responses are pretty quick and very natural. दूसरी बात,
मैंने कोई स्पेसिफिक ऐसा प्रॉम्प्ट टाइप नहीं किया है, मतलब यहाँ पे जैसे नेचुरल इंसान करता है, मेरे बीच में ब्रेक सब आ रहा है, अचानक से मैंने चेंज कर दिया कि दिल्ली नहीं दुबई से ड्यूरेशन किया है फ्लाइट का, अच्छा वो छोड़ो एक काम करो मैं रोड ट्रिप करो, मतलब यहाँ पे यू कैन गो बैक एंड फोर्थ बिटवीन यू नो योर कॉन्वर्जेशन एंड यहाँ पे द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग जेमिनी लाइव इज वेरी यूनिक आई वुड से। तो मतलब इसका एक पूरा ट्रांसक्रिप्ट तो रहता ही है, आप जेमिनी से टाइप करके जो बातें करनी वो कर सकते हो, बट जेमिनी लाइव इज लाइक यू आर टॉकिंग टू स्मार्ट असिस्टेंट, और आप अगर वॉक कर रहे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, तो मतलब बातचीत करते करते जो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है ना ऑफ एक्सपीरियंसिंग दिस स्मार्ट असिस्टेंट, इट इज़ वेरी यूनिक और ये बहुत एक स्पेशल फीचर है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे एक और नया फीचर आया है इन पिक्सल फोन्स, विच इज द पिक्सल स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट्स का मतलब ये है कि आप स्क्रीनशॉट्स दिन भर में कितने ज़्यादा लेते हैं ना, कितनी बार आपने स्क्रीनशॉट लिया है। अब बाद में जब ढूंढना पड़ता है कि यार मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था बट याद नहीं आ रहा है क्या था, तो भाई वो स्क्रॉल के ढूंढ पाना इज वेरी इंपॉसिबल, लेकिन यहाँ पे बिकॉज इट इज़ वेरी स्मार्ट यू कैन मेक डिफरेंट कलेक्शंस, आप सर्च कर सकते हो, अगर आपको याद है कि स्क्रीनशॉट इज अबाउट मे बी आपने कोई जूता देखा था उसके बारे में था, तो आप सर्च करो आपको दिखा देगा वो चीज़। तो मतलब यहाँ पे मैनेजिंग द स्क्रीनशॉट्स, गोइंग बैक टू द URL जहाँ पे आपने वो स्क्रीनशॉट लिया था एंड एवरीथिंग, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसी के साथ AI का एक और नया एडवांस्ड ऑप्शन है विच इज The Pixel Studio. यहां पे guys, you can just give a prompt and instantly generate AI वाले images. कि मतलब आपको देखना है गोल्ड हेडफोन ऑन अ रेड लेदर टेबल, तो आपको वो दिखाएगा तुरंत, एंड जैसे जैसे आप चेंज करते हो अपना प्रॉम्प्ट, आपको नए नए वेरिएशंस वो दिखाता रहेगा। वर्क्स वेरी मतलब यू नो सीमलेसली, और मैं बोलूँगा तुरंत आपको कुछ एक अगर भेजना है कुछ ग्राफिक बना के किसी को एंड ऑल, तो ये पिक्सल स्टूडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके अलावा जो कैमरा है उसमें AI का एक अलग लेवल आ गया है गूगल की तरफ से, जहाँ पे एड मी करके एक नया फीचर आया है। गाइज यहाँ पे जो फीचर है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है काफ़ी लोगों की, जो कि कई बार फोटो खींचने के लिए इसको ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोई हमारी फ़ोटो खींच दे प्लीज़। तो इस केस में क्या है कि आप मान लो एक ग्रुप में हो और कोई एक तो फोटो खींचेगा तो वो तो फोटो में आ नहीं पाएगा, तो आप एक फ़ोटो खींचो, उसके बाद जिसने फोटो खींची है वो अपना एक जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा और एक और फोटो खींच लो, प्रॉपर आपको इसमें गाइड करता है सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, और एट द एंड आपको पूरे ग्रुप की एक साथ फोटो मिल जाती है। इमेजिन करो दो लोग कहीं पे घूमने गए हैं, कोई तीसरा इंसान नहीं है फोटो खींचने वाला, तो वो एक एक करके अपनी पोजिशन चेंज कर लेते हैं और दोनों की उनको एक साथ फोटो मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब एड मी जो फीचर है बहुत अच्छा फीचर है। इसके अलावा हमारे पास तो एक फीचर आ गया है अभी नया, विच इज़ मैजिक एडिटर। आपको पता है ये मैजिक एडिटर कहाँ पे काम करता है, लेकिन उसी के अंदर अभी एक ऑटो फ्रेम का ऑप्शन भी आया है, जहाँ पे फोटो को ये प्रॉपरली एक बेस्ट मतलब यू नो रूल ऑफ थर्ड्स लगाएगा, कुछ कुछ जो जो भी फोटोग्राफी रूल्स होते हैं उनको लगाते हुए आपके पास अगर एक फोटो है, मान लो थोड़ा सा वो स्क्यूड है हल्की सी, या किसी का थोड़ा हाथ वाथ कट रहा है, कुछ चीज़ कट रही है, ये उसको रीफ्रेम करता है बड़े अच्छे तरीके से, और आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है जिनको आप बाद में यूज़ कर सकते हो और वो आप बार बार जनरेट भी कर सकते हो। उसके अलावा रीइमेजिन वाला जो ऑप्शन है, गाइज यू कैन गो क्रेजी विद दिस, जहाँ पे आसमान पीछे आपको भैया चाहिए बादलों वाला, या आपको अपना जो आसपास का सराउंडिंग को चेंज करना है, मतलब रीइमेजिन करते जाओ एंड AI से आप सारे काम बड़े आराम से कर सकते हो। इसी के साथ अभी दोस्तों हमारे पास में वीडियो बूस्ट का जो ऑप्शन है ना वो आ गया है, एंड यहाँ पे वीडियो बूस्ट अगर आप यूज़ करते हो तो रात की अगर वीडियो है, मतलब ऑफकोर्स फ्रेम बाय फ्रेम प्रोसेसिंग होती है और आपको एकदम एक अलग रिजल्ट मिलता है उसका द मोमेंट यू यूज़ द वीडियो बूस्ट, और इसी के साथ अभी आप 8K तक वीडियोस को अपस्केल कर सकते हो फ्रॉम 4K टू 8K नाउ। एक और अच्छी बात ये वो ये कि इन दोनों ही फोन्स में जो मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा दोनों फोन्स में, चाहे नॉर्मल फोन हो या प्रो फोन हो, एंड 48 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा, ये एग्जैक्टली सेम है। हाँ, यहाँ पे आपको जो पेरिस्कोप कैमरा मिल रहा है विद 5x जूम जो कि 48 मेगापिक्सल्स का है, वो आपको डेफिनेटली एक अलग रेंज देगा जहाँ पे आपको सुपर रेस जूम का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब इट इज़ गुड, बट 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा गाइस आपको पता है पिक्सल कैमरा कैसा पूरा बिहेव करता है, एंड 48 का अल्ट्रा वाइड वो अक्रॉस द लाइनअप आपको एग्जैक्टली सेम मिलता है, एंड सेल्फी कैमरा जो है उसमें भी अभी ऑटो फोकस है, तो इट इज गुड कि आप एक अच्छी सेल्फी ले पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि प्रो फोन में जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ज्यादा वाइड हो गया है अभी, तो आप अगर ग्रुप सेल्फीज लेते हैं उसके लिए भी आपको कैमरा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और एक अच्छी बात यह है कि यहां पे आपको 7 साल तक अपडेट्स मिलने वाले इन टर्म्स ऑफ यू नो एंड्रॉइड अपडेट्स, सिक्योरिटी अपडेट्स, पिक्सल ड्रॉप्स वगैरह, तो ये फोन काफी लंबा
टिकने वाले हैं और उसके लिए फ़ोन का ड्यूरेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हमारे पास में आई पी रेटिंग अवेलेबल है, IP68 है इन फोन्स में, तो पानी वानी की भी कोई टेंशन नहीं है। एंड ओवरऑल मतलब एक प्रीमियम AI वाले फीचर्स का जो एक्सपीरियंस है, फिर चाहे वो कैमरा में हो, चाहे वो फोटोज़ को एडिट करते टाइम पे हो, चाहे वो Gemini के फीचर्स हो, एंड ओवरऑल जो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस है ना, वो आपको इन पिक्सल फोन्स में मिलता है। ये है अभी लाइनअप। इंडिया में अच्छी बात ये है कि हमको सारे फोन्स मिल रहे हैं इस बार, पिक्सल 9, 9 प्रो, 9 प्रो XL एंड द 9 प्रो फोल्ड एज वेल। अगर हम बात करें दोस्तों प्राइस की, तो यहाँ पे ये जो है गूगल पिक्सल 9, इसमें जो प्राइस आपको मिलेगी वो है ₹79,999। यहाँ पे आपको मिलेगी 12GB रैम विद 256GB स्टोरेज। अगर हम बात करते हैं पिक्सल 9 प्रो की, तो इसकी प्राइस है ₹1,09,999। यहाँ पे आपको मिलेगी 16GB की रैम विद 256GB स्टोरेज। जो 9 प्रो XL है, यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। द स्टार्टिंग प्राइस इज ₹1,24,999, जहाँ पे 16GB रैम विद 256GB स्टोरेज। और अगर आपको चाहिए 512GB की स्टोरेज, तो इसकी प्राइस होने वाली है ₹1,39,999। और जो पिक्सल 9 प्रो फोल्ड है, उसकी प्राइस होने वाली है ₹1,72,999। वहां पे है 16GB रैम और 256GB की स्टोरेज। खैर, पिक्सल 9 प्रो फोल्ड की आपको एक डिटेल्ड वीडियो अलग से मिलने वाली है, जो एक मतलब बड़ा कैनवस लेके आता है टू एंजॉय ऑल द फीचर्स। लेकिन मैं बोलूंगा यहां पे दीज फोन्स पॉलिश्ड है। ओवर द ईयर्स में देखा है कि गूगल कैसे हर साल इंप्रूव कर रहा है अपने फोन्स को, तो यहां पे द लेटेस्ट फ्रॉम गूगल विद द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ हार्डवेयर ऑल टुगेदर। ये हैं नए नए पिक्सल फोन्स, द पिक्सल 9 एंड द बिगर प्रो, द गूगल पिक्सल 9 प्रो XL। गाइज, देयर यू हैव इट, द लेटेस्ट फ्रॉम गूगल। और पिक्सल फोन्स ऑफकोर्स हम जानते हैं इनके अमेजिंग कैमराज को लेके, मतलब एक अलग वाइब होती है गूगल पिक्सल फोटोज़ की, एकदम ऐसे वाइब्रेंट विविड फोटोज़, तो वो ऑफकोर्स हमको इस बार भी मिल रही हैं। एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अभी एंड्रॉयड 14 साथ में आते हैं ये, बट 15 का अपडेट जल्दी आने वाला है। एंड गूगल की तरफ से मैंने ये कन्फर्म किया कि भाई, अब गूगल बोल तो रहा है कि 7 साल वाले अपडेट्स, तो वो 14 से काउंट करेंगे या 15 से? तो गूगल की पॉलिसी बड़ी सिंपल है, वो ये है कि जब से फोन रिलीज हुआ है उससे वो डेट के हिसाब से करते हैं। तो 14-15 से वो काउंट ऐसे नहीं करने वाले, जिस डेट को फोन लॉन्च हुआ उस डेट से वो जोड़ेंगे। तो आगे चल के एंड्रॉइड का क्या फ्यूचर होगा हमको नहीं पता, हमको 7 साल तक अपडेट्स मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और 15 का अपडेट तो ऑफकोर्स सबसे पहले आपको पता है इन्हीं में ही आएगा। तो ये है नए वाले पिक्सल फोन। गाइस, यू टेल मी व्हाट्स योर टेक, नीचे कॉमेंट करते, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।